हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा टॉपिक है मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। तो क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होते हैं मूल्यह्रास के कारण और किन किन चीज़ों को मूल्यह्रास में शामिल करते हैं और किसको नहीं करते हैं, उसको हम समझेंगे इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो मूल्यह्रास से अर्थ है मूल्य का घटना। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के मूल्य का घटना मूल्यह्रास के अंतर्गत आता है। यानी कि जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें कुछ टूट फूट होती है जिससे उनके मूल्य में कमी आ जाती है। यानी कि जैसे अगर हमने कोई 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, हम उसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट आएगी, तो वो 1 लाख की मशीन आने वाले 1 साल में या 2 साल में 1 लाख की नहीं रहेगी। उसके प्राइस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी, उसके प्राइस कम होने लगेगा। तो यानी कि जब उसका प्राइस कम हो जाता है किसी भी मशीन का, किसी भी सामान का, तो उसको हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कि जो भी मशीन होती है उसके मूल्य में यानी प्राइस में घटना हो जाता है तो उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास के क्या क्या कारण होते हैं? मूल्यह्रास के कारण होते हैं कि सामान्य टूट फूट, यानी कि जब मशीनों का हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, किसी भी मशीन को अगर हम डेली यूज करेंगे तो उसमें कुछ टूट फूट होगी और टूट फूट होगी तो उसके प्राइस में कमी आएगी। नेक्स्ट है आकस्मिक हानि, यानी कि अगर कोई हानि हो जाती है, अगर कोई बिजनेस में हानि हो गई तो फिर उस मशीन का उपयोग नहीं होता है तो उसकी वजह से भी उस मशीन की वैल्यू और प्राइस में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है इसका तकनीक में परिवर्तन के कारण मशीन का उपयोग बंद हो जाना। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मशीन का प्रयोग बंद हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले के टाइम में आज से 10 साल पहले 12 साल पहले कीपैड वाले फ़ोन का यूज़ करते थे, तो कीपैड वाले फ़ोन्स को हम यूज़ करते थे क्योंकि हमारे पास में जो एंड्रॉयड फ़ोन थे वो नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, टेक्नोलॉजी ने खुद को एनहेंस किया, तो उसके बाद में हम कीपैड वाले फ़ोन को नहीं यूज़ करते, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आया जिसकी वजह से जो मशीन्स प्रोडक्शन करती थी कीपैड वाले फ़ोन्स का, अब वो फ़ोन्स का प्रोडक्शन बंद हो गया है क्योंकि अब वो मशीनों का इस्तेमाल बंद हो गया है क्योंकि मार्केट में डिमांड हो गई एंड्रॉयड फ़ोन्स की। तो यानी कि अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाएगा तब भी मशीन का उपयोग बंद हो जाएगा तो उससे मशीनों के प्राइस में कमी आ जाएगी, उससे मशीनों का जो मूल्यह्रास हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि मूल्यह्रास में प्राकृतिक आपदाओं को शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर बाढ़ आ गई है या फिर भूकंप आ गया है, उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर मशीन में कोई दिक्कत हो गई है तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि वो मूल्यह्रास है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर किसी मशीन के प्राइस में कमी आ जाती है कि कोई मशीन अगर 1 लाख की हम खरीद के लाए और भूकंप के कारण वो मशीन टूट गई है तो अब उसका प्राइस 50,000 है तो उसको हम मूल्यह्रास नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मशीन हम 1 लाख की लेकर आए और उसको हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले 4 से 5 साल में उस मशीन का प्राइस 50,000 रह जाता है क्योंकि उसका टूट फूट हो रही है तो उसको हम लोग मूल्यह्रास बोलेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।